ग्राम पंचायत के काम की निगरानी। गांव की तरक्की के लिए पंचायतों को कई तरह के काम करने होते हैं, जैसे ज़राअत से मुताल्लिक काम, समाजी तरक्की के काम, प्राइमरी स्कूलों की तामीर, यूथ वेलफेयर के काम, ट्यूबवेल की मरम्मत और देखभाल, तबी और सेहत से मुताल्लिक काम, खवातीन और बच्चों की तरक्की के काम, मवेशियों की तरक्की से मुताल्लिक काम वगैरह। ये सब काम करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पंचायतों को ये पहले से तय करना होगा कि कौन सा काम कब, कहां, कैसे, क्यों, किसे और किसके लिए करना है। आसान जबान में पंचायतों को वक्ता फवक्ता तरक्याती कामों के मंसूबे बनाने होते हैं। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि किसी भी दूसरे अदारे, तंजीम या ग्रुप की तरह पंचायतों को भी हर सतह पर मुयस्सर मंसूबा बंदी करने की जरूरत है। मंसूबा बंदी के बहुत से फवायद हैं, जैसे मंसूबा बंदी पंचायतों को बेहतर समयत फराहम करती है, मंसूबा बंदी वसाइल के सही इस्तेमाल का बायस बनती है, मंसूबा बंदी मकामी मसाइल को हल करती है, मंसूबा बंदी पंचायत बजट बनाने में मददगार है, मंसूबा बंदी सामाजिक और इक्तसादी मसावियात लाती है, बेहतर मंसूबा बंदी पंचायत की सतह पर जमहूरियत को मजबूत करती है। ताहम पंचायतों की तरक्की मुहीज मंसूबा बंदी से नहीं हो सकती, इसलिए मंसूबा बंदी के साथ साथ मंसूबा बंदी के तहत होने वाले कामों की निगरानी भी जरूरी है। सही निगरानी से ही खराबी का पता लगाना, कामों का दुरुस्त रिकॉर्ड, मॉनिटरिंग कारकर्दगी, वसाइल का मुनसिफाना इस्तेमाल, पैसे बचाना, करप्शन में कमी और शफाफियत आ सकती है। लेकिन निगरानी का काम इतना आसान नहीं है। निगरानी इस बात की तस्दीक के लिए की जाती है कि आया अपनाए गए मंसूबों, जारी करदा हिदायत और कायम करदा असूलों पर अमल किया जाए। इसलिए पंचायतें ये काम मुनज्जम तरीके से मीटिंग साइकिल के तहत करती हैं। मीटिंग साइकिल में मंसूबा बंदी की निगरानी, मसाइल की निशानदेही करना, मसाइल की फहरिस्त बनाना, डेटा इकट्ठा करना, नतीजा की जांच करना, तहकीकात का जवाब देना और नतीजा तक पहुंचाना वगैरह शामिल है। आए इसको तफसील से समझते हैं। निगरानी की मंसूबा बंदी। पंचायतें जो भी काम करती हैं वो निगरानी के लिए मंसूबा बंदी करती हैं। पंचायतों के बहुत से काम होते हैं, इसके लिए वो कई तरह के मंसूबे भी बनाती हैं। ये जानने के लिए निगरानी और कंट्रोल की जरूरत होती है कि कार्रवाइयां मंसूबा बंदी के मुताबिक हो रही हैं या नहीं। मसाइल की निशानदेही करना। निगरानी और कंट्रोल के लिए सबसे पहले अहम मसाइल की निशानदेही करना जरूरी है। हर पंचायत की तरजीह मकामी जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ होती है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके इलाके के मकामी मसाइल क्या हैं। मसाइल की फहरिस्त बनाना। मसाइल की निशानदेही के बाद उनकी फहरिस्त बनाएं और फैसला करें कि सबसे ज्यादा खराबी कहाँ है, किन इलाकों में काम मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं हो रहा है या किसी किस्म के फ्रॉड का इम्कान है। डेटा इकट्ठा करना।
किसी भी तरह की कमी, गड़बड़ी या फ्रॉड होने के इम्कान में फौरी तौर पर मुतर्रिक हो जाएं और डेटा इकट्ठा करना शुरू करें। इस मंसूबे और काम से मुतालिक हर दस्तावेज को चेक करें। गहराई से तफ्तीश के लिए बुनियादी और शुनूई डेटा इकट्ठा करें। नताइज चेक करना। डेटा इकट्ठा करने के बाद जो भी नतीजे आए हैं, इसे अपनी सतह पर किसी भी किस्म का फैसला करने से पहले हर चीज को चेक करना जरूरी है। इंक्वायरी जवाब। इंक्वायरी पेपर जवाब देने का मतलब है फैसला लेना। काम में किसी भी तरह की कमी, गड़बड़ी या फ्रॉड होने पर फौरी तौर पर मुनासिब फैसला लेना। अगर वो चाहे तो पंचायती नुमाइंदे अपनी आईनी हकूकों का इस्तेमाल करते हुए सख्त फैसला ले सकते हैं। नताइज का मवासलात। आपने जो भी फैसला किया है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। आप अपने फैसले को आम करने के लिए आवामी नोटिस, मीडिया या दीगर ज़राई इब्लाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात इंटर डिपार्टमेंट है तो आप कवायद के मुताबिक बातचीत कर सकते हैं। ख्याल रहे कि सिर्फ अच्छी निगरानी से ही पंचायतों के तमाम तरक्याती काम आसानी से किए जा सकते हैं और मुकामी सतह पर मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल किया जा सकता है।